हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैमरा कुकिंग विद जया। और फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है गोभी की एक जबरदस्त सब्जी। जी हाँ, गोभी के कोफ्ते। मुंह में पानी आया ना फ्रेंड्स, तो क्यों ना जल्दी हम किचन में चले और इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कट करेंगे, इसका टुकड़ा बाहर निकालेंगे और इसे हम अच्छे से चेक करेंगे कि कहीं इसके अंदर कीड़े तो नहीं है। तो इसके टुकड़े को बीच से और एक छोटा टुकड़ा करेंगे इस तरह से, ये देखिए। और करीब आधा किलो फूल गोभी को टुकड़े में काट कर तैयार कर लूंगी। बड़े टुकड़े काटना है मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आधा किलो के करीब मैंने फूल गोभी को ऐसे बड़े टुकड़ों में काट कर इसे चेक किया है कि कीड़े हैं या नहीं, और धोकर वॉश करके ले लिया है। अब हम आगे की तैयारी। अब हम फूल गोभी को इसमें कद्दूकस करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, गोभी को कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। यहाँ मैं एक लूंगी बड़ा सा बॉल और इसमें इसको शिफ्ट कर दूंगी गोभी को। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई हरी धनिया और साथ ही डालूंगी कुछ मसाले। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही मैं डालूंगी स्वाद अनुसार टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आधा छोटा चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है और अब इसमें डालूंगी एक चुटकी के करीब हींग। और मैंने यहाँ लिया है बाइंडिंग के लिए बेसन। एक कटोरी के करीब बेसन है, पर मैं थोड़ा थोड़ा करके जितना मुझे लगेगा मैं इसमें डालूंगी। और इसे डालकर अच्छे से मैं इसका मिक्सचर तैयार करूंगी। मिक्सचर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं चम्मच हटाकर हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। हमें इसकी कोफ्ते यानी कि बॉल बनाने हैं गोभी के अच्छे से। ये देखिए, इतना बेसन डालना है कि इसकी बाइंडिंग हो जाए और इसका ये फंसने लगे, ये देखिए इस तरह से। तो एक कटोरी बेसन लिया था मैंने, करीब आधा कटोरी के करीब मेरा बेसन यूज हुआ है, बाकी मैंने रख दिया है। और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है हथेली से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्सर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते यानी बॉल तैयार करेंगे। लगभग इतना बड़ा बॉल रहेगा हमारा। इस तरह से हमें बॉल बनाना है और बॉल बना के मैं इस प्लेट में शिफ्ट करती हूँ। इसी तरह से हम बाकी का बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कोफ्ते के बॉल बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यह कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है। ओके, तेल मेरा गर्म हो गया। एक एक करके कोफ्ते डालकर इसमें तल लूंगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते जो है एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए। इसे पलट के दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से तल लेंगे। तो फ्रेंड्स, कोफ्ते मेरे दोनों तरफ से अच्छे से तल के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे गैस फ्लेम को बंद करेंगे और कोफ्ते को बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, कोफ्ते तल के तैयार हो गए। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने चार हरी मिर्ची ली है, छोटी हरी मिर्च, चार लाल पके टमाटर लिए मीडियम साइज के, एक बड़ा टुकड़ा जो है अदरक का लिया जिसे दो टुकड़ों में काट लिया है, एक छोटा चम्मच जीरा लिया। इसे मिक्सी में पीस कर मैं इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने मसाला पीस कर तैयार कर लिया है। ये बहुत ही स्मूथ और अच्छा पेस्ट तैयार हो गया। चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच तेल गर्म होने के लिए रखा है। अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डालूंगी और इसे थोड़ा चिटकने दूंगी। और साथ ही मैंने दो छोटे तेजपत्ता लिया है। और थोड़ा सा इसे गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी एक चुटकी के करीब ही। ये तड़का तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे जो मैंने टमाटो प्यूरी यानी कि जो मसाला पीस कर तैयार किया था वो इसमें डालेगा। और इसे अच्छे से दो मिनट के लिए मैं भूनूंगी। ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, हमने हरी मिर्ची इसमें पीसी है तो लाल मिर्च थोड़ा सावधानी से एक छोटा चम्मच डलेगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कढ़ाई तेल छोड़े तब तक इस मसाले को थोड़ा भूनेंगे हम।
तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से भुन गया है, कढ़ाई से तेल छूट रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ मेरे पास एक कटोरी हरे मटर है, कच्चे हरे मटर हैं, दाने हैं, वो इसमें डाल दूंगी। हरे मटर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिएगा। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी एक बड़ी कटोरी पानी। पानी मैंने जिस बॉल में मैंने कोफ्ते का घोल यानी बैटर मैंने कोफ्ता तैयार किया था उसी बर्तन को धोकर मैंने लिया है, वही पानी मैं इसमें डाल देंगी। और इसे डाल के मिक्स करके एक उबाल आने देंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी में एक अच्छा उबाल आ गया है। और इसमें मैं डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, करीब आधा छोटा चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। और अब गैस फ्लेम को मैं स्लो करके करीब 5 मिनट इसे ढककर पकाऊंगी, ताकि मटर जो मैंने डाले, मटर के दाने, वो थोड़े से पक जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं और अब हम सब्जी को चेक करेंगे। ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है और ये जो मटर के दाने हैं वो भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जो कोफ्ते मैंने तलकर तैयार किए थे, वो इसमें डलेगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कोफ्तों को डालकर ढककर करीब 5 मिनट और पका लेना है हमें। तो लीजिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला का पाउडर और साथ ही हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। फ्रेंड्स, सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, चलिए हम इसे परोसते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म गोभी के कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी से अगर कोई गोभी ना भी खाता हो तो उसे भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।